कल सुबह तक ये लेवल डाउन हो जाता है 683 के आसपास 683 से, तो फिर अपना समझ में लाऊंगा पानी कम बहुत कम खाते हैं। ये कह रहे हैं शाम तक कम हो जाएगा सर, लेकिन अभी 683 चाहिए, अभी 4 फुट का है यहाँ पर गैप, 4 फुट में मिला था सुबह तक सर, उससे पहले से नहीं है, अभी 1 सेंटीमीटर का होता है एकदम से मिलेंगे ठीक हो जाएगा सर, कुछ कुछ ठीक टाइम मैं 12-14 घंटे मान लेता हूँ अपनी मुझे कल सुबह तक, उसके बाद अपना सर कम से कम एक मैं कोशिश करूँगा सर कि इसको मैं शायद मैं कल सुबह तक चला दूँगा कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें मेरे साथ कम हो रहा है थोड़ा सा शायद शाम तक उठा उठा पाएंगे सर, जितना होता है 20 एम का प्लान था उसका हम चला पाएंगे काम तक चला, नहीं अगर शाम तक कम हो जाता है तो रात को रात को ड्राई करके सुबह तक सर, अगर 24 घंटे के 12 घंटे सर मेरी पूरी कोशिश है सर, मैं आप 12 में तो 18 बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाएगी, बाकी तो चलो लोग पानी अगर दिल्ली में मांगे मुश्किल हो जाएगी अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं आप, वो हालात का जायजा लेते हुए कि कैसे इस पानी को कम किया जा सकता है, अधिकारी ने समझा रहे हैं कि धीरे धीरे करके लगभग 18 घंटे के वक्त में थोड़ा थोड़ा पानी नीचे आएगा, लेकिन ये तमाम बातें इस ओर इशारा करती हैं कि इस वक्त कैसे गंभीर हालात बने हुए हैं पूरे दिल्ली पर, खास तौर पर उन इलाकों में जो कि यमुना से सटे हुए हैं, क्योंकि लगातार बढ़ता जलस्तर इस वक्त सीएम की परेशानी का भी सबब है। हमने कल देखा था कि कैसे एक आपातकालीन बैठक सीएम केजरीवाल ने बुलाई थी, उसके बाद तमाम इंतजामों का जायजा लेने के लिए उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी मरलेना लगातार ग्राउंड पर मौजूद रहे और आज खुद सीएम हालात का जायजा लेने के लिए वजीराबाद पहुंचे मुख्यमंत्री और उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया है और वहीं पर भी मौजूद हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत भी करें और अधिकारी बताने कि कब तक हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अभी समय लगेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अभी और प्लानिंग की आवश्यकता है कि दिल्ली को कैसे सुरक्षित किया जाए आने वाले कुछ साल, अब इस पर मेहनत करने की आवश्यकता है कि नदी का जलस्तर बढ़ता है तो फिर दिल्ली में वो उसको कैसे रोका जा सके। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के अलग अलग हिस्से लेकिन तेजी से कम होगा जैसे अभी हम लोग यहाँ पे वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे खड़े हैं और पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पे पहुंची है जब 208 पॉइंट, अब तो मेरे ख्याल से 6 भी क्रॉस कर 6 से ऊपर है और इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारे रिवर प्लेन्स में हमारे वो भी चलते थे, ट्यूबवेल्स चलते थे, वो सारे ट्यूबवेल्स भी अभी फ़िलहाल बंद हो गए हैं, उनका भी पानी कम हो गया है, तो 1-2 दिन पानी की काफ़ी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के जो वाटर ट्रीटमेंट जो बंद किया जिन्होंने आपने बताया, इससे जो दिल्लीवासी है, दिल्ली की जनता है, उनको कितनी परेशानी होगी सर? मैंने बताया कि मैक्सिमम 1.5-2 दिन तक, कल मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक हम पानी शुरू कर पाएंगे, कल शाम तक शुरू कर पाएंगे, क्योंकि केवल पानी कम नहीं होना, पानी कम होने के बाद उनको मशीनों को सुखाना भी पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, उसकी सारी तैयारी है, जैसे ही पानी कम होगा मशीनें सुखाने का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जनता को तकलीफ होगी, जनता को उसका सामना करना पड़ेगा। वाटर फ्लोइंग काफी हो रहा है और सड़कों तक पानी पहुंच गया है जिससे दिल्ली वासियों को, वो कल ही मैंने बता दिया था जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी कि पानी काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है,
तो मैं सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना वर्क फ्रॉम होम करें। जो एरियाज़ अफेक्टेड हैं वहाँ पे हमने स्कूल्स भी अब बंद करवा दिए हैं, और रिलीफ कैंप्स में भी सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल स्थिति कब तक हो जाएगी? देखिए, जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं CWC के, वो तो बता रहे हैं कि आज 3-4 बजे तक शायद पीक पहुंच जाएगा, उसके बाद कम होना चालू होगा, ऐसी प्रिडिक्शंस CWC के हैं।